15 अक्टूबर के दिन जब पूरा देश दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ था, आंध्र प्रदेश के छेबोलू गांव के लोग स्ट्रे डॉग्स को मारने की तैयारी कर रहे थे। इन सब के पीछे था गांव के सरपंच का पास किया एक ऑर्डर। इस ऑर्डर के मुताबिक गांव के सभी डॉग्स को मारने के लिए जहर लाया जा रहा था। 18 डॉग्स को जहर देकर मार दिया गया था। उसी बीच एक और इंसिडेंट भी हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया जिसके मुताबिक कोई भी इंसान नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में स्ट्रे डॉग्स को खाना या पानी नहीं दे सकता। ऐसा करने वालों पर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी और अगर वो लोग किसी डॉग की मदद करना भी चाहते हैं तो उन्हें पहले उस डॉग को अडॉप्ट करना होगा और अपने घर में या फिर किसी शेल्टर होम में रख कर ही वो उसकी मदद कर पाएंगे। अब इन दोनों केसेस में सारा किया कराया किसी एक इंसान का नहीं है। स्ट्रे डॉग के केस में कई गैर जिम्मेदार मीडिया चैनल्स ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को कुछ इस तरह पेश कर रहे हैं कि हर किसी के मन में डॉग्स के लिए डर बैठ गया है। कुत्तों का हमला इतना खतरनाक, तो आपको खबर दिखाते हैं कुत्तों के आतंकी। दिन पर दिन ये सिचुएशन और बदतर होती जा रही है और बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई स्ट्रे डॉग से परेशान होने लगा है। कॉम्प्लेक्स में वॉक लेते तो इतना डर डर के हम लोग वॉक लेते हैं। और शायद लोगों को बार बार डराए जाने पर उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया और इसी कारण कई गांव में लोग डॉग्स को जहर देने पर उतर आए। डर के कारण कई तो अपने घर से बाहर जाते वक्त बंदूक तक लेकर जाने लगे हैं। 30 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र के कई शहरों में एनिमल राइट्स ग्रुप ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। ये ऐसा पहला मामला नहीं था जब किसी फैसले पर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया। कई सालों पहले गुजरात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास किए एक लॉ के खिलाफ लोग दांडी मार्च पर निकल पड़े थे। पर एक चीज है जो इन दोनों ही केसेस में समान है, वो है किसी की बेबसी, जो कुछ साल पहले हम भारतीयों की थी और आज इन बेजुबानों की है। और जिस तरह लोग नमक आंदोलन के समय जो सही था उसके लिए अड़े रहे और अंत में आकर उनकी जीत हुई, इस बार भी लोग इतने डर के माहौल के बीच स्ट्रेस को खाना खिलाते रहे और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।